टॉपिक नंबर 31 में कल्चर को डिफाइन करेंगे कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है, कल्चर है क्या। द टर्म कल्चर इज सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग सिंबल्स एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपने सिंबल्स मीनिंग्स या एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उसके अलावा इसमें आपकी वैल्यूज इकदार आ सकती हैं, आपके अकायद आ सकते हैं, सेंस मेकिंग, आपके वे ऑफ टॉकिंग या प्रैक्टिकली लाइफ में, और इसमें डीप पैटर्न ऑफ वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी रवायात क्या हैं, और ओवर द कोर्स ऑफ स्कूल हिस्ट्री, मतलब इसमें कल्चर में आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कल्चर एक ब्रॉड टर्म है। द टर्म कल्चर इज सिस्टम मॉर्गन कॉल कल्चर टू बी अ सिस्टम इज सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग, मतलब मॉर्गन ने इसके डेफिनेशन को यूँ एक्सप्लेन किया है कि जो आप मीनिंग शेयर करते हैं, जो आप आइडिया शेयर करते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं। इट इज़ सिस्टम ऑफ शेयर मीनिंग, मतलब जब अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, अपने कल्चर को शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ कल्चर। सेम एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी लाइफ का स्टाइल आपका सेम हो सकता है, टीचिंग एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, वैल्यूज़ आप अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, बड़े लोग छोटों से, छोटे बड़ों से, तो मतलब वैल्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बिलीव्स अकायद को भी, बिलीफ इज़ आल्सो रिलेटेड टू फेथ, मतलब आपका अकीदा क्या है, मतलब सोशल बिलीव्स भी होते हैं। सेंस मेकिंग, जो आप मतलब सेंस बनाते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और मतलब ये कि आपका कल्चर है, मतलब छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक। पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, पहलू क्या है कल्चर के। स्कूल कल्चर एंड क्लिमे रेफर्ड द सेम वैल्यू कल्चर सेफ्टी प्रैक्टिस स्ट्रक्चर विद इन स्कूल दैट का इज फंक्शन एंड रिएक्ट इन पर्टिकुलर वे, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी वही चीज़ है कि अपने वैल्यूज शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपना स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। अदर पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, मतलब डिफरेंट टाइप के कल्चर। सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब जिसमें अब प्रैक्टिस होती है, मींस ऑफ एवरी मेंबर स्कूल कंसीडर इम्पोर्टेंट, मतलब हर बंदा रोल अदा करता है कल्चर में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है और कौन सी चीज़ें हैपन हो रही हैं वो। और उसके अलावा मतलब पहलू जितने भी हैं, जिसमें आपका रिलेशनशिप है, स्कूल साइज है, स्कूल कल्चर है, अचीवमेंट्स हैं, तो मतलब जितना भी आपका लिटरेसी रेट है या एजुकेशन मैनेजमेंट है, वो सारे पर्सपेक्टिव होते हैं कल्चर के। तो स्कूल कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म एटीट्यूड बिलीव्स बिहेवियर वैल्यूज सेरेमनीज ट्रेडिशन एंड मिथ्स दैट आर डीपली इनग्रेन इन द वेरी कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स की अकायद होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, मतलब कल्चर में तमाम जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, जिसमें आप स्कूल के बारे में, आपके स्कूल की ट्रेडिशन है कि यूनिफॉर्म पहनना, ठीक है, क्लास रूम अच्छी होनी चाहिए, मीटिंग होती है, स्टाफ रूम, तो एक ट्रेडिशन बनी हुई रवायत है। मिथ्स क्या हैं, मिथ्स में मुख्तलफ़ लोगों के, मुख्तलफ़ एरिया के, मुख्तलफ़ एज के लोग सेम वे में रीजंस बताते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये भी। स्टूडेंट लर्निंग, डेफिनेटली स्टूडेंट लर्न करते हैं अपने कल्चर से, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से, लर्निंग रिसोर्सेज से, फिजिकल फैसिलिटीज से, अदर एबिलिटीज से, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, इन तमाम चीज़ों से स्टूडेंट लर्न करने। टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टीचर्स की क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के बारे में, और स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं टीचर्स। टीचर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए इस मैटर में, क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस तरह वो रिएक्ट करते हैं चीज़ों के बारे में, उनको आइडिया होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विद अफेक्ट द स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग रिसोर्सेज लाइक बुक्स, कंप्यूटर, विजुअल एड्स, तो मतलब आप डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू टीचिंग करते हैं, लर्न करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, तो मतलब थ्रू यूट्यूब, गूगल, इनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं।
फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके कल्चर में। तो अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो, माँ बाप पढ़े लिखे हों, उनका एकेडमिक अच्छा हो, तो बच्चों को भी वो ट्रेन करेंगे, बच्चों को भी यही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर डिफरेंट कंट्रीज या में ऐसा होता है कि मतलब वहाँ जो लिटरेसी रेट है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सेम पैटर्न में ही अपने बच्चों को भी ऐसी एजुकेशन दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, तो ये सारी होनी चाहिए।